आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का अलग, से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, ठंड में छत्तीसगढ़ में सियासत हुई तेज। कलयुगी बेटे ने किया पिता का कत्ल। कोतवाली में दिखा फिर भालुओं का झुंड, लोगों में दहशत। दक्षिण पूर्वी हवा का असर, रात का तापमान बढ़ा पूरे प्रदेश में, ठंड में हल्की कमी, संभाग में शीतलहर की स्थिति नहीं। ब्रिटेन से लौटे चार लोगों के सैंपल भेजने में लापरवाही, सैंपल -70 डिग्री में भेजना था पुणे, ड्राई आइस के इंतजाम में 3 दिन बर्बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर रायपुर से, नक्सलवाद पर गृहमंत्री का बयान, सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, तामध्वज साहू ने दिया बयान। बीते दिन सुरक्षा सलाहकार ने किया था दौरा। बड़ी खबर, विजय कुमार ने अधिकारियों संग की थी बैठक। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां पर नक्सलवाद पर गृहमंत्री ने दिया बयान, सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, बीते दिन सुरक्षा सलाहकार ने किया था दौरा। विजय कुमार ने अधिकारियों संग बैठक की थी। रायपुर से बड़ी खबर, नक्सलवाद पर गृहमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, बीते दिन सुरक्षा सलाहकार ने किया था दौरा। विजय कुमार ने अधिकारियों संग की थी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर नक्सलवाद पर गृहमंत्री का बयान आया सामने, सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, ताम्रध्वज साहू, बीते दिन सुरक्षा सलाहकार ने किया था दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे, रणनीति के विषय में तो मैं सार्वजनिक कोई बात कर नहीं सकता। आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जो जानकारियाँ इंटरनल मिलती रहती है, उसके अनुसार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे इंटेलिजेंस से चर्चा करके रणनीति बनाते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं, नई शुरुआत करते रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार उस काम को अमली जामा पहनाते हैं। और अब आपको बलौदा बाजार से बड़ी खबर बता देते, जहां पर 2 किसानों के साथ लूटपाट का प्रयास किया गया। अज्ञात लोगों ने लूटपाट की, विरोध करने पर मारपीट भी की। बैंक भटगांव से पैसा लेकर आ रहे थे दोनों किसान, भाटा गिरसा के पास का ये मामला। बड़ी खबर बलौदा बाजार से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 किसानों के साथ लूटपाट का प्रयास किया गया। अज्ञात लोगों ने की लूटपाट, छत्तीसगढ़ में जहां एक ओर ठंड का प्रकोप जारी है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का दौर भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। हम लोग जब छोड़े थे तो किसने किया, कांग्रेस देश आजाद हुआ तो हमारे पूरे सत्ता में दिल्ली में रहे, हमारी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया, ये बात उनका कहना। देखिए कोई भी सरकारें आती ही बदलती है, जो जनहित के काम रहते हैं उसको लागू रखते हैं, जो जनहित का नहीं होता उसको बदल देते हैं। अपनी अपनी प्राथमिकता होती है पार्टी की, जैसे उनकी प्राथमिकता कहा जरूर धान का बोनस देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, 15 साल में नहीं किया, उनकी प्राथमिकता नहीं थी। पर हमारी प्राथमिकता थी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि सरकार बनी 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनी शपथ लेके 2 घंटे में उसको करके दिखाया, ये हमारी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता तो जनता के सामने आता है और वो महसूस भी करते हैं।
रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और दो साल में आप एक भी कोई नए निर्माण कार्य विकास काम बता दें, पूरे जितने भी पुराने काम है उसी का ये शिलान्यास कर रहे हैं, नए किसी काम को करने में सरकार बेमेतरा जिले के जिलाधीश को किसान नेता ने ज्ञापन सौंपा। किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि बेमेतरा जिले में पंचायत स्तर पर होने वाले कार्य और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का कार्य पंचायतों एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद से सत्ता पक्ष अपने लोगों को उपकृत करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के कार्य और पंचायत में होने वाले छोटे छोटे कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में एक प्रकार से कटौती है। प्रजातंत्र में पंचायतों की ओर अधिकार देना छोड़कर उनके अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। स्थानीय पंचायतों के माध्यम से बड़ा कार्य किया जा चुका है और उसमें गुणवत्ताहीन कार्य अगर किया जाए तो पंचायत पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं जिले के पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों की सही ढंग से जांच की मांग करते हुए ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग जिलाधीश को ज्ञापन में की गई। और जब जनप्रतिनिधि वहाँ लोकार्पण कर रहे हैं तो नारियल का पैसा, आपका पंडाल का पैसा और माइक का पैसा भी कर रहे हैं। आज हम लोग आए हैं, पहले 20 लाख तक का जो काम है पंचायत के माध्यम से पंचायत निधि में पंचायतों और सरपंचों को और पंचों को दिया जाता था। अभी स्थिति यह हो गई है मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना के तहत जो 20 लाख की राशि सीसी रोड के लिए इसके लिए जारी हो रही है, उसको स्वयं जनप्रतिनिधि लोग अपना ठेकेदार ले जाके काम करवा रहे हैं और गिने चुने ठेकेदार काम कर उनको ब्लाइज किया जा रहा है। और रोडों की जो आप स्थिति देख सकते हो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, जर्जर स्थिति में 6 महीना 4 महीने में रोड खराब हो जा रही। कोई अगर वो अच्छा नहीं बनाएगा तो जनप्रतिनिधि कल गाँव में जवाब देना है तो उनको एक डर रहता है, भय रहता है। इसलिए इस तरह से जो कार्य होने हैं पंचायत के माध्यम से कराया जाना चाहिए, चाहे मंच का हो चाहे सीसी रोड हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया कि अभी तक पूरा बारदाना सप्लाई नहीं किया गया, एफसीआई की जो चावल जमा करने की अनुमति है वो भी नहीं दी गई है और अभी तक 40 लाख धान खरीदी हो चुकी है जबकि पिछले साल 83 लाख रुपए की खरीदी हुई थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि समाधान के लिए जरूरत पड़ेगी तो सीएम दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। अभी तक पूरी बारदाना सप्लाई नहीं की है, और दूसरा एफसीआई में जो चावल जमा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी है, और अभी तक 40 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, लगभग आधा के आसपास। पिछले साल 83 लाख लिए थे, अभी 40 लाख के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यदि एफसीआई में जमा करने की अनुमति नहीं मिली तो सारे जो चावल है वो राइस मिल में काम हो जाएगा। राइस मिल जाम हो गया तो फिर हमारे सोसाइटी में धान भाव कैसे करेंगे। खैरागढ़ छुईकदान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में सतनाम पंथ के संस्थापक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के जयंती कार्यक्रम में भाजपा नेता खमहन ताम्रेकर पहुंचे, जहां समाज एवं ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। खमहन ताम्रेकर ने समाज से आग्रह किया कि परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सत्य के मार्ग में चलने से ही समाज का, देश का, परिवार का विकास हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में मनरेगा से होने वाले 15 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान सरपंच जैनेन्द्र जंगेल सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विधायक विनय जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह भालुओं को फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए नजर आ रहे। दरअसल विधायक विनय जायसवाल महासमुंद के पेटवा स्थित मगई माता मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भालुओं को कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी पिलाई। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
देवघर के ग्राम पंचायत डंगरिया में नदी से उत्खनन कर अवैध परिवहन एवं भंडारण का कार्य कर रहे ये सभी कार्य स्थानीय प्रशासन एवं खनिज विभाग के संरक्षण में होता प्रतीत हो रहा है। शासन प्रशासन को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत करने वाले लोग अवैध रेत उत्खनन करने वाले लोगों से भयभीत हैं। देवघर के डंगरिया नदी से अवैध रात्रि को अवैध गौण खनिज उत्खनन किया जा रहा है और अवैध खनिज उत्खनन करने वाले माफिया शासन को चूना लगाते इस काम को अपनी गाड़ी कमाई का धंधा बना रहे। खनिज विभाग सहित संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं होने की वजह से माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। रेत अब सोने से भी बढ़कर हो गया है। बेमेतरा जिले में पूर्ण रूप से रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। क्षेत्र में खनिज माफिया सक्रिय हैं और ढलेले से रेत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की नदी घाटों में रेत की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। शुद्ध मुनाफा का धंधा होने के कारण रेत ठेकेदारों के अलावा राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग भी इसमें सक्रिय हो गए, जिसके कारण काफी वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर डंगनिया नदी में रेत माफिया में 3 लोगों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है तथा अन्य रेत माफियाओं की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, तुरंत टीम के साथ हम लोग आए हैं जिला से। यहाँ पर मौके पर तो उत्खननकर्ता के द्वारा इंजन को लेकर भाग गए हैं और भरी ट्रैक्टर टाली जो है यहाँ खड़ी है 10 के लगभग करीब है, तो इसको जब्त करके हम लोग थाने में सुपुर्द कर देंगे और इंजन की व्यवस्था करके अलग से इसको सुपुर्द किया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा के दिशा निर्देश पर चौकी क्षेत्र कि ग्राम डंगनिया में शिवनाथ नदी में अवैध रूप से रेत खनन कुछ लोग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर तहसीलदार बिरला के निर्देश पर देवकर चौकी के ASI चौरे हमारा स्टाफ के सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाने हेतु नदी घाट पर गए थे, वाहन को तोड़फोड़ किए की रिपोर्ट पर धारा 186 353 427 34 IPC कायम कर आरोपियों की पदतलाश की जा रही। जगदलपुर में भी सचिव हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब 1,90,000 शिक्षा कर्मियों की मांग सरकार पूरी कर सकती है तो महज 6% लोगों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनका नियमितीकरण नहीं कर रही है और उनकी परीक्षा अवधि को समाप्त हुए 24 साल से इंतजार कर रहे लोगों का अभी तक नियमितीकरण रुका है। सचिव संघ का कहना है कि यदि मांग पूरी में सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो भूख हड़ताल जैसा रास्ता भी चुन सकते हैं। मैं 5 साल से कार्यरत हूँ और हमारे सचिव भाइयों उन लोग 24 वर्षों से पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत है। तो क्या मांगे आप? हमारी मांगे है सचिव लोग कार्यरत है पंचायत में, उन सभी का परीक्षा अवधि 2 साल का है, 2 साल परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। बालोद जिला मुख्यालय के मंडी में 4 महीने पहले महेश ट्रेडर संचालक अनिल लड्ढा द्वारा किसानों से धान खरीदा गया था, लेकिन अब तक कई किसानों को पैसा नहीं मिलने पर 47 किसान मंडी सचिव को लिखित शिकायत कर चुके। इधर मंडी सचिव ने पूरे मामले को लेकर बालोद थाना प्रभारी के नाम पत्र लिखा है, तो वही कई ऐसे किसान जिनसे उनके घर से ही धान की खरीदी की गई उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर वो अब बालोद थाना पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। वहीं अजय लड्डा की गुमशुदगी रिपोर्ट कुछ दिन पहले उनके परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान के लाखों रुपए का शिकार नहीं करने के कारण क्या अजय लड्डा नदारद हुए हैं या वाकई वो गुम हुए हैं? बालोद जिला बालोद में मंडी प्रांगण में महेश ट्रेडर्स जमरुआ प्रोपरेटर अनिल लड्ढा द्वारा 47 किसानों का धान की राशि 31,83,510 रुपये भुगतान करना शेष है। तो सर इसको भुगतान नहीं है, इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? इसके खिलाफ का है प्रारंभिक थाना प्रभारी बालोद में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में कुआकोंडा के इलाके में जंगल के पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला माओवादियों को मार गिराया।
मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी महिला माओवादियों के शव के साथ एक पिस्टल और एक राइफल भी बरामद किए। मुठभेड़ में देर हुई आयतु मंडावी ने 5 लाख के इनामी, वही विजय मरकाम 2 लाख के इनामी है। दोनों ही नक्सलियों को मिलिट्री प्लाटून के मेंबर हैं और कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रही हैं। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा इलाके के कलेपाल और करकरी के जंगल में सर्चिंग के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। हमें फटी सूचना मुखबिरों के थ्रू मिली कि पालनाड़ में आयते मंडावी, साथ में विजय मरकामी और साथ में 8 से 10 और नक्सली आए हुए हैं, जो कि सूचना विंग के हैं और आईडी फॉक्स होल खोल के आईडी लगाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे डीआरजी की टीम दंतेवाड़ा से लॉन्च की गई। डीआरजी को आता देख ये लोग पालनाड़ से कलेपाल की तरफ भागे। मुखबिर की सूचना पे कलेपाल को फॉलो किया गया। खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उदोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात मिठाइयां बांटी गई। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस द्वारा इतिहास में वर्तमान में देश में हित में किए गए कार्यों एवं संघर्षों को याद किया। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक, महामना मालवीय, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। कांग्रेस के तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने देश के नव निर्माण के काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, बांधों के, कारखानों के निर्माण के द्वारा देश को औद्योगिक विकास और कृषि विकास के रास्ते पर कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। खबर कोरिया से है, जहां पर प्रदेश भर में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पार्षद जगदीश मधुकर के साथ अन्य पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फल वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में कांग्रेस पार्टी सदैव आगे रही है, त्याग और बलिदान हमारी विचारधारा रही है। जी, आज हमारे भारतीय कांग्रेस कमेटी का 136वां स्थापना दिवस है। इसके रूप में हम सभी कांग्रेस जन, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी घोंगा पानी के सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर यहां फल वितरण किया गया है।
खबर बालोद से, जहां पर जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। एक तरफ जहां धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ उठाव नहीं होने के कारण प्रबंधक परेशान है। आपको बता दें कि कई धान खरीदी केंद्रों में बारदाने नहीं होने से किसानों को बारदाने के साथ धान बेचने की बात प्रबंधक द्वारा की जा रही है, जिसके कारण कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों को वापस लौटा दिया जा रहा है, जिसको लेकर जिले के नोडल अधिकारी अनजान बने हुए हैं। आपको बता दें कि बालोद जिले में अब तक 25,22,694 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, तो वहीं 4,46,595 क्विंटल परिवहन किया जा चुका है। कुल पंजीकृत कृषक हैं 1,30,889 और उसमें से 63,987 किसानों ने धान बेच लिए हैं। सर, बारदाने की किस तरह से व्यवस्था है? बारदाने की व्यवस्था तीन प्रकार की है, एक PDS बारदाना है, नया जूट बारदाना है, और मिलर से प्राप्त बारदाना के अलावा किसान से भी बारदाना प्राप्त किया कर खरीदी किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बारदाना की कमी एवं अन्य खामियों को लेकर तहसीलदार साजा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसानों का धान खरीदी किया जा रहा है, लेकिन किसान बारदाने को लेकर काफी परेशान है। ना तो मंडियों में बारदाने उपलब्ध हैं, टोकन कटवाने के बाद बारदाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों को 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया गया, ना ही बारदाने की कमी को दूर किया जा रहा है। मंडियों में धान की आवक अधिक होने की वजह से सही रखरखाव में वो उठाव नहीं होने से साजा विधानसभा क्षेत्र के किसान खासा परेशान है। वहीं देखा जाए तो विपक्षियों को मौका मिलते ही साझा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम तहसीलदार साझा को ज्ञापन सौंपा। हमारे जो किसान क्षेत्र के लोग यहां पर भारी तादाद में आए हुए, किसानों की जो मुख्य मांग है उसमें प्रमुख रूप से धान केंद्रों में जो बारदाना की कमी हो रही है और बारदाना को लेकर जो बंदरबांट हो रहा है, बारदानों के आधार पर आदमी देख के किसान को देख के उसी हिसाब से निर्णय हो रहा है। पार्टी विशेष रूप से बारदाना की सप्लाई की जा रही है और साधारण किसान जब जाता है तो उसे बारदाना नहीं करके धान खरीदी केंद्र से वापस भेजा जा रहा है। प्रदेश भर में धान की फसलों की कटाई लगभग हो गई है और धान की कटाई के बाद अब खेत खाली होते ही पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। लकड़ी तस्कर एक बार फिर पाटन अंचल में सक्रिय नजर आ रहे। इन दिनों हरे भरे वृक्षों को काटकर इमारती लकड़ियों की तस्करी करते हुए तस्कर पाटन परिक्षेत्र में आसानी से देखे जा सकते हैं। लकड़ी तस्करों की पाटन अंचल की सक्रियता की खबर लगते ही के न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल शुरू की, तो जगह जगह पर कटे हुए पेड़ों के तने अपनी व्यथा बयां करते हुए नजर आए। वहीं ग्राम पंचायत कातरों की सीमा क्षेत्र में ग्राम के मुख्य धाम के पास कौवा प्रजाति जैसी इमारती लकड़ियों को देखने को मिली। क्षेत्र के RI और तहसीलदार को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।